हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन निगम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यार चैनल कैरियर मेकर पर। देखो, हम लोग जैसे एसएससी सीजीएल टायर 2 की सीरीज कर रहे थे, उसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हमारी क्लास 3 है। क्या लिखा हुआ है? ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है और सी बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है। ए तथा सी एक साथ मिलकर 3 दिन के लिए कार्य करते हैं तथा फिर सी कार्य को छोड़ देता है। ए तथा बी एक साथ शेष कार्य को कितने दिन पूरा करेंगे? 2019 में टायर 2 मेंस में आया क्वेश्चन है। ए 15 में काम कर सकता है। हम लोग हमारा जो सारा खेल स्टार्ट होगा वो क्या होगा? एफिशिएंसी से ए बी और सी। बी जो है वो ए की तुलना में 25% अधिक है। 25% मतलब 1/4, 4 पे 1 ज्यादा, मतलब बी कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद कहा है कि सी जो है वो बी की तुलना में 40% अधिक है। 40% मतलब होता है 2/5। बी हमारा ऑलरेडी 5 है, 5 पे 2 ज्यादा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहा है कि ए तथा सी एक साथ को 3 दिन कार्य करते हैं। जैसा कि आपको टाइम एंड वर्क का बेसिक पता होगा कि जो वर्क होता है वो एफिशिएंसी इनटू हमारा जो टाइम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। हमें ए की एफिशिएंसी पता है और ए का क्वेश्चन है, टाइम भी गिवन है, तो उससे हम लोग को जो टोटल वर्क होगा वो निकल आएगा। तो 15 × 4। उसके बाद क्वेश्चन की कंडीशन स्टार्ट होती है कि ए और सी ने एक साथ 3 दिन कार्य किया, तो 7 × 4 = 11, 11 × 3 कितना होगा? 33 काम उसने कर लिया, 33 यूनिट उसने काम कंप्लीट कर दिया है। प्लस उसके बाद बोला है कि फिर उसके बाद सी जो है, सी लेफ्ट द वर्क। उसके बाद ए तथा बी एक साथ शेष कार्य को पूरा कितने दिन में करेंगे? ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5 + 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इनटू हम लोग मान लेते हैं कि वो एक्स डेज में काम करेंगे। आगे का काम हम लोग अपने माइंड कैलकुलेशन में करेंगे। 15 × 4 = 60 होता है, 60 में 33 घटाना, 60 में 30 घटाएंगे 30 होगा, 30 में 3 और घटाएंगे 27 होगा, 27 को 9 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की जो हमारी वैल्यू है वो 3 के इक्वल आ जाएगी, यानी 3 डेज आ जाएगी, ठीक है। फिर देखो, 15 × 4 = 60 - 33 बराबर का ये 9x था, 27 हो जाएगी। 27 को 9 से डिवाइड कर ले तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 3 दिन के इक्वल आ जाएगा। पर क्या कहीं कट रहा है क्या? ओके, ठीक है, तो हम अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन है। एक बी को 20% के लाभ पे कोई घड़ी बेचता है, बी उसको सी को बेचता है कुछ प्रॉफिट पे, फिर सी उसको डी को बेचता है 10% के लॉस पे, तो और बी और ए के हमारे जो प्रॉफिट का हमारे डिफरेंस दिया है, पर पूछा गया कि डी ने उसको कितने रुपए खरीदा है। हम सेम घड़ी है तो करते क्या है? ए बी सी और डी। ए ने बी को बेचा है 20% के लाभ पे। 20% का मतलब होता है 1/5, 5 की चीज कितने बेची गई? 6 बेची गई है। उसके बाद बोला है बी ने सी को 30% फ्रैक्शन बोलते 3/10, 10 की चीज कितने में बेच दी गई है? 13 पे बेच दी गई है। उसके बाद बोला गया सी ने डी को 10% का मतलब होता है 1/10 लॉस पे, तो 10 की चीज बेसिकली हमारी 9 पे बेच दी गई है। अब हमें करना क्या है कि इस रेशियोज को बैलेंस कर लेना है। तो ये भी 6, ये भी 6, ये 10, ये 10, ये भी 10 और ये हमारा 13 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको यहाँ आपस में मल्टीप्लाई कर लो, या फिर जो कट रहा होगा काट लो। 10 10 10 6, यानी हम लोग एक इवन नंबर काट सकते हैं। 5 5 5 और 3, इसके सिवा और कुछ नहीं कटेगा, ठीक है। 25 25 25 25 और को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद करेंगे तो 6 5 30 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 300 हो जाएगा। उसके बाद करेंगे तो 13 13 6 78 होता है, 78 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 78 को जब हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 390 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 13 3 39 39 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, 39 को 9 से मल्टीप्लाई करना, अगर पूरा 40 होता है, 40 का मतलब 360 होता है, तो 360 में क्या करेंगे? 9 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 351 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ने कहा है कि जो बी का लाभ है वो ए के लाभ में 80 रुपए अधिक है। बी को कितना लाभ हुआ है? 50 रुपए का। ए को कितना लाभ हुआ है? 90 रुपए का। तो और इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का जो अंतर था, कट तो नहीं रहा है, ठीक है। बी को लाभ हुआ है 50, ए को लाभ हुआ है 50 रुपीज का, बी को हुआ है 90 रुपीज का, और इन दोनों के जो प्रॉफिट का डिफरेंस है वो हमारे अकॉर्डिंग 40 है,
और क्वेश्चन ने उसी की वैल्यू कितनी देके रखी हुई है, 80 रुपए देके रखी हुई है। 40 की वैल्यू 80, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 के बराबर हो जाएगी। और पूछा है डी ने कितने खरीदे, तो इसी 351 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 702 रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा क्वेश्चन बताना, और देखो ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी, और हमारी सीरीज की प्लेलिस्ट बन गई है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वीडियो पे को लाइक करो, चैनल पे नया हो सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और खुश रहो, मस्त रहो।